अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इंजीनियर काशिफ हुसैन, गटवाला कमर्शियल हब की साइट से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज हम जो है ना एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कर रहे थे, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। सबसे पहले कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो जाफिर भाई, आप समझते हैं क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है? सर राफ्ट नहीं। जाफिर भाई, ये डिफरेंस होता है एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल बंदे के अंदर। सबसे पहले जो होता है सॉइल डेंसिटी चेक की जाती है राफ्ट से पहले। सॉइल डेंसिटी चेक करने के लिए हमारे पास आज हमने टेस्ट लगाया, उस टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ ये करते क्यों हैं हम और इसकी ज़रूरत क्या होती है। ये बेसिकली जो है ना लोड बेयरिंग होता है हमारे, हम सॉइल की डेंसिटी चेक कर रहे होते हैं ये कितनी लोड बेयरिंग है। सबसे पहले टेस्ट के लिए जो है ना हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालने के बाद हम इसकी डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी की कंपैक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी लोड रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपकी कंपैक्शन रिक्वायरमेंट्स आएगी। हमारा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर चल रहा है उसके जो है ना लोड के अकॉर्डिंग हमें जो है ना 95 से 100% तक जो है ना कंपैक्शन रिक्वायर्ड है। डेंसिटी जो होती है वो डिफरेंट, जो आप डिफरेंट लोग जो है ना डिफरेंट लोड के अकॉर्डिंग डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है कंपैक्शन। ये 95 बेसिक जो होती है स्टैंडर्ड के अंदर, 95 से अबव जो है ना वो वेरी कर रही होती है। अब जाफिर भाई, हमने पीछे कंपैक्शन रोकी हुई है, मशीन चल रही थी, आपने कहा शोर आ रहा है तो वो लिहाजा कंटिन्यू होने दे काम। तो अब आप फिर हम जो है ना मिलते हैं।